क्या जब आप अपने चेहरे पे हाथ फेरते थे और आपको वो एक खुरदुरी सड़क की तरह लगती थी? तो चलिए बात करते हैं कि उस खुरदुरी सड़क को रेशम की तरह कैसे बनाएं। टीनेज के बाद एक्ने और पिंपल से आपको दोबारा सफर करना पड़ेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। हमें अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि 25 साल से ऊपर की हर 5 में से एक लड़की को एडल्ट एक्ने की प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी उन जिद्दी पिंपल्स के साथ उठती हैं, तो ये वीडियो में आपके लिए है सभी जानकारी। फैक्ट नंबर 1, एक्ने की वजह जानना है जरूरी। एडल्ट एक्ने की वजह वैसे तो साफ नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस, हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे टीन्स में गंदगी, ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और पिंपल हो जाते हैं, वैसे ही एडल्टहुड में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये अलग अलग जगह पे हो जाता है। फोरहेड या चीक्स के अलावा ये जॉ लाइन के पास जैसे चिन या नेक पे हो जाते हैं। एडल्टहुड में ज़्यादातर ये PMS के टाइम पे होता है या उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें PCOS की प्रॉब्लम होती है। ये स्ट्रेस या स्मोकिंग से भी होता है। फैक्ट नंबर 2, चॉकलेट या जंक फूड से एक्ने नहीं होती है। टीनेज के दौरान आप जो भी खाते हैं उसका असर आपके फेस पे ज़रूर होता है, पर बड़े होने के बाद इसका रीज़न सिर्फ ब्लॉक पोर्स होते हैं। अनहेल्दी डाइट की वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा ऑयल बनता है, जो इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आर एडवाइस टू यू, आप इन सब चीज़ों को छोड़ने की जगह डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि डार्क चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा फायदे होते हैं। फ्राइड फूड या जंक फूड के साथ आप हेल्दी फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जिससे आपकी डाइट बैलेंस रहे। फैक्ट नंबर 3, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन है बुरा। अपनी स्किन को क्लियर रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करते हैं, जो कि आम बात है, लेकिन इससे हमारी स्किन को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आप डेली अपनी स्किन को रगड़ रगड़ के साफ करेंगी, तो इससे आपकी एक्ने और स्किन की रेडनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्सफोलिएट ओनली ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। फैक्ट नंबर 4, रेगुलर क्लेंजिंग से दूर होते हैं पिंपल्स। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि फ्रेश और हेल्दी कॉम्प्लेक्शन के लिए दिन में 2 बार क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बेहद ज़रूरी है। प्रो टिप, सेंसिटिव और पिंपल प्रोन स्किन पे वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो स्किन पे लाइट हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।